बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश रखे और कामयाब करे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कड़क चाय की रेसिपी। और जैसे कि सर्दी आ रही है और गले की खचकच जो है वो दूर नहीं होती, तो ये चाय आप एक दफ़ा बना के पिएँ। चाय पी के आपको मज़ा आ जाएगा और जो गले की खचकच है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही मज़े की चाय बनती है ये, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे पहले जो है मैंने चूल्हे पे पैन रखा है और 2 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने चीनी को कैरमलाइज करना है। आंच आपकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी चीनी वो आराम आराम से पिघले। बिल्कुल भी आँच को आपने तेज़ नहीं करना। और यहाँ पर मैंने लिए हैं अदरक, काली मिर्च और छोटी इलायची। 3 से 4 अदद जो हैं वो काली मिर्चें हैं और 2 अदद जो हैं वो छोटी इलायची ली है और 1 बड़ा टुकड़ा जो है अदरक का लिया है। और चीनी हमारी जो है देखें कैरमलाइज हो गई है, तो इसमें जो है मैंने 1/2 कप पानी डाला है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो चीनी पैन में लगी हुई है ये आराम से खुद ब खुद पिघल जाएगी। और यहाँ पर जो है अब हम डालेंगे चाय की पत्ती। 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने पत्ती डाली है। और यहाँ पर ये जो मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है अदरक और काली मिर्च और छोटी इलायची को, तो ये डाल देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। और अब हम जो है इसमें दूध शामिल कर देंगे। 2 कप चाय बनाई है मैंने, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है और गले के लिए ये बहुत ही मुफीद चाय है। इसका कलर देखें माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप भी ये चाय एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और 1 चम्मच जो है अब मैंने चीनी और डाली है। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें आपने 2 चम्मच जो है चीनी वो आपने कैरमलाइज करनी है। 1 चम्मच चीनी हम ऊपर से डालेंगे। अच्छी तरह से चाय को आपने पक जाने देना है। तो चाय हमारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह रेडी हो गई है। चाय पिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।